हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आज हम आपको बताएंगे माँ सत्यशती का पाठ जल्दबाजी में कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नवरात्रों के दिनों में माँ दुर्गा के भक्त पूरे विधि विधान से 9 दिन पूजा करने के बाद दुर्गा सत्यशती का पाठ करते हैं। दुर्गा सत्यशती का पाठ ज़्यादातर घरों में हर रोज़ किया जाता है, लेकिन नवरात्रों में इसका फल विशेष लाभदायी माना जाता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने में कम से कम 3 घंटे का समय लगता है, लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ करने के लिए समय नहीं होता है। घर के काम, ऑफिस, समय पर पहुंचने के दबाव के चलते कुछ अध्याय का पाठ कर पाते हैं। हम आपको कम समय का संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के पाठ का संपूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए एक आसान उपाय बताते हैं, जो खुद भगवान शिव ने बताया है पार्वती जी को। दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं, जिसको 3 चरित्रों में बांटा गया है। हर अध्याय में माँ भगवती की महिमा और उनके रूपों के बारे में वर्णन किया गया है। दुर्गा सत्यशती का प्रथम चरित्र में मधु कैटभ वध कथा, मध्य में महिषासुर का संहार और उत्तर चरित्र में शुभ निशुंभ वध और सुरद एम वैश्य देवी माँ से मिले वरदान का निवारण है। कम समय में दुर्गा सत्यशती का संपूर्ण लाभ लेने के लिए सबसे पहले कवच कीलक पा अर्गला सत्रों का पाठ करना चाहिए, जिसके बाद कुंजिका सत्रोत का पाठ कर लें। ऐसा करने से दुर्गा सत्यशती के संपूर्ण पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। नवरात्रों में हर रोज दुर्गा सत्यशती का पाठ करने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हर तरह के संकट से मुक्ति मिलती है। पाठ के हर माध्यम से अलग अलग फल मिलता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सत्यशती के पाठ के बाद दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अपने भक्तों की सहायता हर मोड़ पर करती हैं और रक्षा कवच देती हैं। नवरात्रों में कवच कीलक व अर्गला के बाद कुंजिका सित्रोत का पाठ करना विशेष लाभदायी माना गया है। इससे न सिर्फ दुर्गा सत्यशती के पाठ का संपूर्ण फल मिलता है, बल्कि आर्थिक समस्या से भी मुक्ति मिलती है, शत्रुओं से निजात मिलती है और कोर्ट कचहरी के मामलों में जीत के लिए यह स्त्रोत किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसके पाठ से जीवन की सभी समस्याएं और विघ्न दूर होते हैं। तो फ्रेंड, कैसी लगी आज की जानकारी? अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।